अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बच्चे वाली पिज्जा। यहाँ हरा धनिया है, अदरक है, हरा मिर्चा है, गाजर है, लहसुन है, प्याज है, हम सब बारीक बारीक करके रखती हूँ। ये सब हम एक प्लेट में रख दिया। अभी हम एक बाउल में लेंगे चावल का आटा। चावल का जो आटा है ना, ये सब हम एक बाउल लेंगे, छोटा सा बाउल है, एक बाउल लेंगे। यहाँ हम ऐड करेंगे नमक, नमक ज़्यादा ना हो, हम आधा चम्मच से नमक दिया। इसमें हम अब जो बड़े कट कर रखी हूँ सब कुछ, ये सब मिला लेंगे। देखिए हम मिला लिया, ले चुकी हूँ ये लाल मिर्चा। इसमें बहुत टेस्टी आती है, खुशबू भी आती है। हमने पानी ऐड किया। ये मोटी नहीं करनी है, बिल्कुल पतली करनी है, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। और पानी ऐड करना होगा, हम और पानी ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल पतला होना, बिल्कुल पतला होना होगा। मेरी दो हो गई, सारे मिला लिया, ऐसे होना होगा। देखिए कितनी पतली है, ऐसे पतली होनी होगी। अभी हम फ्राई पैन में तेल दे दिया, तेल गर्म भी हो गया। इसमें हम जो पिज्जा वाला डो है दे देंगे। चारों तरफ देना होगा और लास्ट में बीच में हल्का सा देना होगा। ये एकदम क्रिस्पी हो जाते हैं, चुरचुरा हो जाते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी है। हम 5 सेकंड के लिए कवर कर दिया था, लेकिन कवर नहीं करना चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत है, ये जो सुबह सुबह बच्चे के लिए बहुत परफेक्ट नाश्ता है। देखिए मेरी हो गई फ्राई, एकदम कुरकुरा हो गया। हम एक एक करके इसमें पांच पीस फ्राई कर लिया। इसमें आप लोग जो चाहे, जो चटनी हो चटनी से खा सकते हैं, टमाटर चटनी हो, नारियल चटनी हो, सब चटनी से खा सकते हैं। देखिए अंदर कितनी खूबसूरत है, खुशबू भी आती है, खाने में बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी है। देखिए एकदम कुरकुरा है। हो गई अभी। मेरे चैनल में नए हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।